हाथ एक ठहरा तो दूसरे ने जबरदस्ती क्यों कहे है। बोले हाँ बेटे शाबाश बता। बोले जी जाड्या में। बोले जाड्या में। बोले और जेठ के महीने में आप पैर के दिखाओ नहीं से लगते। तो बुजुर्गों के ऊपर मैं थोड़ी सी ज्यादा बुजुर्गों में रहा हूं। एक बार एक बुढ़िया का बुढ़ा मर गया और बुढ़िया उगे शरण बैठ के चूरमा खान लाग रही। दो पड़ोसन आई आए भरपाई तने शर्म नहीं आती तेरा लोग मरिया बड़ा तू चूरमा खान लाग रही। ए बोला डट जा एक बार चूरमा मेरे भीतर ने मजा लेंदे और फिर मेरे खखाटे सुनिए रोण के। तो एनर्जी चाहिए सब क्या है मैं आजकल प्रोटीन वटोर इसे आगे अग देसी खाना वाना तो बाहर रहा है कोना। तो देसी और शुद्ध खाओ। और जितने भी नौजवान बच्चे हैं यहाँ पर या बेटियां हैं, गीता महोत्सव का प्रोग्राम है। गीता तो मेरे ख्याल से किसी माताओं ने जितनी भी माताएं बैठी गीता किस किस ने पढ़ी है? नहीं पढ़ी। सिर्फ दो ही याद है। मेरी रिक्वेस्ट है गीता को जरूर पढ़े और उसमें जो ज्ञान लिख रखा है हमारी जिंदगी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और हर उतार चढ़ाव का उसमें जवाब है। हम हो रहे हैं फास्ट जो करियो गूगल वाला मामला फास्ट हो रहे हैं न्यू फास्ट हमारी जिंदगी हो रही है। हम कहीं ड्यूटी बजाते हैं कि फैक्ट्री में जा हाँ या बड़का ने स्कूल में छोड़ के आवा सब बाजम बाज हो रहे हैं। टाइम नहीं है। अगर टाइम है तो मोबाइल के लिए है। मोबाइल में पड़े रहेंगे एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं है। मोबाइल के फायदे भी हैं लेकिन उससे ज्यादा नुकसान आज की पब्लिक को ज्यादा भुगतने पड़ रहे हैं। हस्बैंड और वाइफ एक कमरे में बैठे हैं, छोरा वो नहरा कमरे में है, वो भी फोन में, घराड़ी भी फोन में, बुढ़ा भी फोन में, सारे तो फोन में हो रहे हैं। जो पहले बैठ के एक चूल्हे पे बैठ के रोटी खाया करते, बतलाया करते, वो है टाइम। हालांकि नुकारे टाइम बदल गया। टाइम वो है, वो है सूरज लिकड़ा है, वो है चांद लिकड़ा है, वो है जेठ का महीना हो, वह जड्याओं है। लेकिन हम इंसानों ने ये कहना शुरू कर दिया कि टाइम बदल गया ना, हम बदल गए। तो इस बदलाव में कुछ नहीं है, छोटी उम्र है, बीमारियां हैं, 40 प्लस के बाद तो मेरी बीमारियां घेर ले हैं। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और गीता की जो बात थी तो उसी पे मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चे बुजुर्गों के आगे जितना झुकेंगे उतना ही ऊंचा उठेंगे। तीन बातें हैं। एक तो अपने माँ बाप दादा दादी जितने भी बुजुर्ग हैं उनके आगे उनका आशीर्वाद लेते रहिए। सेकंड नंबर पे आपके गुरु जहां से आपने शिक्षा ली है उनसे। और तीसरा जो भी जरूरतमंद है गरीब परिवार से है तो उनकी आर्थिक तौर पे जिस तरीके से आप सक्षम हैं उनकी मदद करें। ये मेरी जिंदगी का तजुर्बा है। जित पहुंचना चाहते हो, जो आपकी उम्मीद है वहां पर आप पहुंचना चाहोगे। और जो बच्चे जिस लाइन में इंटरेस्ट रख रहे हैं, जैसे कोई डॉक्टरी में है, वकील में है, ये कुछ भी बनना चाहो है, मेरी उन पेरेंट्सों से हाथ जोड़ के विनती है कि अपने बच्चे को सपोर्ट करें। क्योंकि मैं इस कलाकारी लाइन में आया तो मेरा बाबू भोज में, मेरी माँ मास्टरनी, मेरी माँ ने सोचे यो मास्टर बना दिया इन्हें, मेरा बाबू ने सोचे मैं इन्हें फौज में ला दू। और मैं तीसरा जनावर ऐसा पैदा हो गया सिर्फ और सिर्फ कलाकारी का शौक जो हमारे परिवार में था ही नहीं किसी में। उनने मेरे को धमकाया पीटा, छोटी उम्र में ब्याह कर दिया, 18 साल का था, अगे वो सोते रह जा। लेकिन आज मेरे माँ बाप ये सोचते हैं कि हम अगर अपने बच्चे को सपोर्ट करते तो ये आज बॉम्बे की या साउथ की फिल्मों में जरूर होता। तो इसीलिए हाथ जोड़ के विनती है उन माँ बाप से कि अपने बच्चे को सपोर्ट करे जिस लाइन में वो इंटरेस्ट रखता हो। एक छोटा सा डायलॉग मेरी एक चंद्रावल फिल्म किस किस ने देखी थी तो चंद्रावल फिल्म का एक डायलॉग है। जब सूरज और चंद्रावल, चंद्रो नाम था उसका, वो आपस में बहुत प्यार करते थे और चंद्रो मर जाती है और सूरज इंतजार करता है। इंतजार करते करते
20 साल हो गए तो उसी पे आधारित है। तो अचानक सूरज ने चंद्रो दिखाई दे है, चंद्रो तू आ गई, मैंने बेरा था, मैंने बेरा था चंद्रो तू एक दिन जरूर आओगी, जरूर आओगी। चंद्रो तू बेरा से कितने दिन में आई से, महीना नहीं तो महीना नहीं पूरे 20 साल में आई से तू, 20 साल हो गए मैंने तेरी बात देखते देखते। अरे 20 साल में सब कुछ बदल गया चंद्रो, अरे सब कुछ बदल गया, वो भाईचारा, वो प्रेम, वो माँ बाप का औलाद के प्रति, वो मियाँ बीबी का प्रेम, सब कुछ बदल गया। पर एक चीज ना बदली चंद्रो, बेरा सके मैं आज भी उस आयुष हूं जिसा तुमने 20 साल पहले छोड़ के गई थी, मैं आज भी उस आयुष हूं। चल चल घर में चलांगे, घर के राजी हो जाएंगे तने देख के। चल चंद्रो तू चलती क्यों ना, हाँ मने बेरस है तू ड्रेस है, अकते वो घर के और वो गांव वाले मार ना दे, ना आज यो गांव यो समाज कोई भी मारे बीच में आओगा तो उन्हें खत्म कर दूंगा। पर तू मेरी कहले चाल, मेरी 20 साल की तपस्या, मैं इस प्रेम में घोड़ा नहीं चाहता चंद्रो, तू मेरे गले चाल, चाल। चंद्रो 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 कट गई तो चंद्रो चंद्रो चंद्रो। बहुत बहुत धन्यवाद। और जितनी भी बहू बैठी है, सास ससुर की, अपने पति की, हाथ जोड़ के विनती है सेवा करना, क्योंकि तुम इनकी सेवा करोगी तो थारी बूझ हो जाएगी, और जो थारी सोच अपने बुजुर्गों के प्रति है, भगवान कसम लिख के दे सकता हूं थारी औलाद की भी वही सोच होगी। तो इसीलिए डीसी साहब ने कही थी, अगर जिसे कर्म करोगे जो बोओगे वो ही भुगतोगे। प्यार, आपस में प्रेम, झुकना सीखो, क्योंकि जिन पेड़ा के फल लग गए है ना वही झुक गए हैं, जो सूखे लाकड़ है ना वो तो मानस जलाने का काम आवे। तो इसलिए प्रेम से रहो। हरे कृष्णा।